अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं चिकन तंदूरी, थोड़ा बहुत मसाला लगी हुई, थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आप विदाउट ओवन पैन में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट मैरिनेशन कर लेते हैं। एक प्याले के अंदर ये आप देख सकते हैं मीडियम साइज का नींबू था, उसे निचोड़कर डाल दीजिए। पूरे साबुत नींबू को जूस डालना है इसका, और एक छोटे चाय का चम्मच नमक या फिर नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक छोटे चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें डालकर मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए और साइड पर रख दीजिए। अब यहाँ पर मैंने तीन पीसेस लिए हैं चिकन के, लेग पीस है पूरे। अच्छा, ये चर्बी निकाली हुई चिकन है, दो तीन पानी से धो के नितारने के लिए मैंने 15-20 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था। उसके बाद मैंने इसे पैट ड्राई कर लिया, और अब यहाँ पर ना मैं डीप स्लिट्स मार लेती हूँ आगे पीछे दोनों, और अच्छे से डीप स्लिट्स मार लीजिए, टांग के पास भी मारिए और कमर का जो पीस है उस पर भी मारिए, और तीनों इसी तरीके से हमारी जो चिकन लेग पीस है उन पे इस तरीके से डीप स्लिट्स मार लीजिए। जब तीनों चिकन पे स्लिट्स मार लें तो ये जो मैरिनेशन साइड पर रखा है फर्स्ट वाला, ये सारे अच्छे से लगा दीजिए तीनों हमारी चिकनों को इस तरीके से, अच्छे से मसलिएगा आगे पीछे साइड्स पर, और ये जो हमने स्लिट्स लगाई उसमें बहुत अच्छे से रब कीजिए, और ये तीनों को अच्छे से लगाकर इसे साइड पर आप चाहें तो फ्रिज में ढक कर रख सकते हैं या नॉर्मली बाहर भी रख सकते हैं, तकरीबन 15 मिनट के लिए साइड पर रख दीजिए। मैंने चिकन मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया है, तब तक दूसरा मैरिनेशन बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1/3 कप गाढ़ी दही, एक प्याले में डाल दीजिए, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चाय का चम्मच काला नमक, 1 छोटा चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1.5 या 2 छोटी चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो कश्मीरी के साथ साथ ज़्यादा स्पाइसी वाला भी आधा डाल सकते हैं, 1 छोटी चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 छोटी चाय का चम्मच भून कर हाथों से क्रश कर डाल दीजिए कसूरी मेथी को, और 2 छोटी चाय के चम्मच भुना और दरदरा पीसा हुआ धनिया, आप चाहें तो धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, और 1/8 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, और मैंने चाट मसाला 1/2 छोटा चाय का चम्मच एक्स्ट्रा डाला, और थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा रेड फूड कलर, ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं, और 1 टेबल स्पून तेल, यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाला है, और यहाँ पर नींबू का रस, एक पूरा मीडियम साइज़ का नींबू था वो मैं निचोड़ कर इसमें डाल देती हूँ, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए हमारे ये सारे सेकेंड मैरिनेशन को, और इसे साइड पर रख दीजिए। हमारी जो चिकन है इसे 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब ये जो मैरिनेशन सेकेंड वाला है उसे लीजिए, और बहुत ही अच्छे से एक एक करके हमारी जो चिकन है, लेग पीस हैं, उनके ऊपर लगाते जाएं। मेरे हाथ धोए हुए हैं, और ये जो स्लिट्स हैं इनमें बहुत ही अच्छे से लगाएं, क्योंकि अंदर तक मसाला जाएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तीनों ये जो हमारी चिकन है तीनों पर बहुत ही अच्छे से वेल कोट करके लगाइएगा सेकेंड वाला मैरिनेशन भी। अच्छा, अब यहाँ पर ये तीनों को अब आप चाहें तो ढक कर फ्रिज में ओवरनाइट भी रख सकते हैं, या फिर 3-4 घंटे के लिए रख दीजिए, जितना समय हो आपके पास आप रख दीजिए। मेरे पास 2-3 घंटे है, मैं इसे ढक कर फ्रिज में डालकर रख देती हूँ 2 घंटे के लिए। चलिए, तकरीबन 2-3 घंटे हो चुके हैं मैरिनेट होकर, तो चिकन को मैंने निकाल लिया फ्रिज से। एक कढ़ाई है, फ्राई पैन लीजिए, उसके अंदर तेल डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। तेल गर्म हो जाए तो सिर्फ चिकन के पीसेस लीजिए, हल्का अगर ज़्यादा मसाला लगाओ तो वो भी निकाल लीजिएगा, हाँ। और फिर ये आपके इस जो कढ़ाई या पतीली में जितनी समा रही हो, मेरे तो इसमें 2 ही समा रही है, तो मैंने डाल दिया। 2-3 मिनट तक पकने दीजिए, जब 2-3 मिनट हो जाए तो इसे पलट दीजिए, और पलटने के बाद चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच, और इसे ढक कर तकरीबन समझे ना 10 मिनट तक स्लो आंच पर पकने दीजिए। जब 10 मिनट हो जाए तो खोलकर फिर से पलट दीजिए, और फिर से 5-6 मिनट उसे पकने दीजिए। इसी तरीके से 5-6 मिनट उलट पलट करते जाएं,
और तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती। तकरीबन समझे ना 15-17 मिनट के अंदर तो चिकन पक जाएगी। हाँ चलिए, टोटल 16-17 मिनट हो चुके हैं। अब ये चिकन के ऊपर होगा, बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो समय लगेगी, छोटी छोटी होगी तो जल्दी हो जाएगी। तो मेरी तो तकरीबन 17-18 मिनट में हो गई। अब यहाँ पर अगर आपको पानी लगे थोड़ा भी तो फास्ट आंच करके इसका पानी सुखा लीजिए, उलट पलट करते हुए पूरा पानी ड्राई आउट हो जाए तो अब इसे निकाल लीजिए। अब आपकी कढ़ाई बड़ी थी तो आप तीनों एक साथ डाल देते। अब मेरी कढ़ाई बड़ी नहीं थी तो मैंने दो डाले और फिर बाद में ये निकाल कर मैंने एक और डालकर उसे मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये चिकन पकाने का भी प्रोसीजर सेम वही रहेगा। ये देखिए मसाला साइड पर मैंने रखा है, इतना बचा है। अब ये जब तीसरी चिकन भी गल जाती है वही सेम मेथड से, तो मैंने चूल्हा कर दिया बंद और ये तीनों चिकन को मैं निकाल कर रख देती हूँ। और ये जो तेल जो आप देख सक रहे हैं ना, वो पूरा मैं निकाल कर साइड पर रख देती हूँ, सो दैट ये जो हमारी कढ़ाई है पूरी खाली हो जाए। बचा हुआ तेल है मैं कोई भी सब्जी या चिकन या किसी भी ग्रेवी में डाल दूंगी। तो अब ये जो चिकन पीसेस तीनों हमने बनाए हैं मैं यही कढ़ाई के अंदर डाल देती हूँ। और साइड पर मैंने है ना 5 मिनट पहले कोयला गरम करने रख दिया था, तो इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ एक स्टील की वाटी, उसके ऊपर ये दोनों कोयले रख दिए और थोड़ा सा तेल घी या मक्खन डाले क्विकली इसके ऊपर और ढक दीजिए और कुछ वजन रख दीजिए और 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दीजिए इसे। अब साइड पर एक कढ़ाई या फ्राई पैन ले लीजिए फिर से। यहाँ मैंने फ्राई पैन लिया है, 2 टेबलस्पून मक्खन डाल दीजिए और चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। जब मक्खन पिघल जाए तो ये जो हमने मैरिनेशन साइड पर रखा है ये सारा डाल दीजिए और इसे फास्ट या मीडियम आंच पर 2-3 मिनट तक भून लीजिए, बार बार चलाते रहिएगा। अच्छा, मैं जो प्लेट में जिसमें चिकन रखी थी उसका भी जो भी है वो सारा मसाला इसमें डाल रही हूँ, कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें बड़ी महंगी आती है। यहाँ पर ना मैं मीडियम आंच पर रखी हूँ चूल्हा। बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, इसे भी एक बार चला लीजिए। अब जिसमें हमने मैरिनेट करने रखा था ना चिकन को, उसमें 1/4 से 1/2 कप के दरमियान में पानी डाल दीजिए और चलाकर इसमें डाल दीजिए। और चूल्हा आप चाहें तो फिर से मीडियम रखें या फास्ट रखें। अब मैंने चूल्हा फास्ट आंच कर दिया और इसे ना तकरीबन 3-4 मिनट तक पकने दीजिए, सो दैट हमारा जो ये मसाला है वो भी बहुत अच्छे से भून जाएगा और ये हल्का सा थिक होने लगे तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। तकरीबन 3 से 4 मिनट के दरमियान तक ही पकाइएगा और चूल्हा फिर बंद कर दीजिए। तो ये हमारी बन गई है साइड पर एक थिक ग्रेवी जो हम हमारी मज़ेदार सी तंदूरी के साथ लगाकर खाने वाले हैं। इसे मैं साइड पर रख देती हूँ और वो जो स्टैंड आता है ना तंदूरी सेकने के लिए वो रख देती हूँ गैस पर। अच्छा, यहाँ 10 मिनट हो गए चिकन को धुआं देकर, तो यहाँ मैंने वो कोयले को हटा दिया है और ये जो चिकन अब है इन्हें एक एक करके ये जो ग्रिलिंग प्लेट है चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और उस पर रख दीजिए हमारी चिकन को और उलट पलट करते हुए इसे बहुत ही अच्छे से ग्रिल कर लीजिए। तब तक ग्रिल कीजिए जब तक चारों ओर से डार्क स्पॉट्स नहीं आ जाते। ऐसे जब ग्रिल हो जाए तो एक एक करके ग्रिल करते जाएं और साइड पे रखते जाएं हमारी चिकन को। तीनों ग्रिल हो चुकी है तो फ्राई पैन जिसमें हमने मसाला बनाया था ये वाला लीजिए, इसमें उबाल आ जाने दीजिए चूल्हा फास्ट आंच पर चालू करने के बाद। और जब उबाल आ जाए तो ये हमारी चिकन है ना एक एक करके डालें उलट पलट करते हुए, अच्छे से वेल कोट करें हमारी चिकन को ये हमारे मसाले में और आपकी सर्विंग डिश में डालते जाएं। अच्छा, जो बाकी का मसाला बच जाएगा हमारे जो फ्राई पैन के अंदर तो जो चिकन है उसके ऊपर लगा दीजिएगा सारा मसाला बचा हुआ इस तरीके से। तो ये बन गई मज़ेदार सी हमारी गर्मा गर्म चिकन तंदूरी धुएंदार विदाउट अवन, थोड़ा मसाला लगा हुआ। और यहाँ पर ना मैंने ये जो चटनी है इसके साथ सर्व की और थोड़े से प्याज रखे। अच्छा, प्याज ना आप चाहें तो बाहर रेस्टोरेंट में जो वो लाल वाली जो मिलती है ना, मैंने वो वैसी बनाकर मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। और ये जो फ्लेवर्ड दही, मैं तो इसे फ्लेवर्ड दही ही कहती हूँ, ये जो चटनी है इसका लिंक भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ आप लोगों के लिए, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। मैंने 2-3 टाइप की और डिफरेंट स्टाइल्स की तंदूरी चिकन और टंगड़ी कबाब बनाई हैं, उनके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए ये वाले वीडियो को, उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।